हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है सांची, और सांची के बारे में हमारे साथ डिस्कस करने वाली है वीनावल की टूर मैनेजर मेघा शिंदे। ऑफ कोर्स मेघा वीनावल में टूर मैनेजर है ही, पर वीनावल में ये भी जाना जाता है कि मेघा एक ऑलराउंडर है, क्योंकि जब भी वो एक प्रोफेशनल टूर मैनेजर होती है दैट टाइम ऑफ कोर्स हमारे गेस्ट तो टूर पे बहुत से एंजॉय करते ही है, बट जब वो टूर मैनेजर नहीं होती है तब एज पार्ट ऑफ अवर हॉबी, और मैं ऐसे कह सकता हूँ एज पार्ट ऑफ अवर प्रोफेशन, शी ऑल्सो डज एक्टिंग एंड मॉडलिंग असाइनमेंट्स। सो अगर आप उनका सोशल मीडिया देखोगे, शी हैज अ लॉट ऑफ एक्टिंग एंड मॉडलिंग असाइनमेंट्स ऑन दैट टू। मेघा, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। चलो बैग भरो निकल पड़ो में आपका स्वागत है। नाउ आपने जो टॉपिक चुना है वो है सांची। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इनक्रेडिबल इंडिया में इतने सारे लोकेशन है, और मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बहुत सारे पॉपुलर है, बहुत सारे पॉपुलर नहीं है, या बहुत सारे ऐसे हैं जो हिडन जेम्स कहे जा सकते हैं, तो आपने सांची ये टॉपिक क्यों चुना? ओके हाय नील, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस। जैसे आप पूछ रहे हो कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वैसे मुझे भी लगता है कि हमारे देश के ना कोने कोने में बहुत सारी कहानियां बिखरी पड़ी है, बहुत सारी हमारी इतिहास की निशानियां बिखरी पड़ी है, और उनको अगर हम एक एक करके एक्सप्लोर करने जाए तो हम अपने इतिहास तक पहुंच सकते हैं। सांची चूज करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये था कि सांची इज वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड साइट्स इन इंडिया। यूनेस्को ये जो कहानियां हैं, निशानियां हैं, इनको प्रिजर्व करने का और हम तक पहुंचाने का काम करता है। कहा जाता है कि ह्यूमन स्पीशीज जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्पीशीज है ऑन अर्थ। द रीजन बीइंग, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन और इकलौता रीजन इसका यही हो सकता है कि ह्यूमन को इतिहास का ज्ञात होता है। सो हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट में हम उस पर काम करते हैं, और उसको लेके हम अपना फ्यूचर सिक्योर और डेवलप बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने सांची चुना, क्योंकि एक हिस्टोरिकल साइट है जो हमारी हिस्ट्री काफी अच्छे से दर्शाता है। उसके बाद ये बहुत ब्यूटिफुल है। उसके अलावा पिछले 2300 साल में बहुत सारे लोगों ने, डायनेस्टीज ने इसमें अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसकी वजह से ये एक विश्व धरोहर, दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। सो दैट इज द रीजन मैंने सांची ये टॉपिक चुना। ग्रेट। सो मेघा, लेट्स स्टार्ट विद, किसने ये स्तूपा बनाया, मतलब फाउंडिंग स्टोन, जो फाउंडिंग स्टोन होता है इस स्तूपा का, दैट इज सांची स्तूपा, ये किसने ले किया, एंड हु एक्चुअली वेंट अक्रॉस बिल्डिंग इट या डेवलपिंग? ओके, सो एवरीवन नोज अबाउट किंग अशोका, सम्राट अशोका, एवरीवन नोज अबाउट इट, एंड सम्राट अशोका ने ये स्तूपा बनाया है। सो इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट। आई विल कीप इट टू द स्टोरी सो दैट इट जस्ट कीप्स बीइंग इंटरेस्टिंग। सो व्हाट हैपेंड वाज, सम्राट अशोका उस समय जो बिंदुसार करके राजा थे, मौर्य समाज के राजा थे बिंदुसार करके, उन्होंने सम्राट अशोका को उज्जैनी के राजकुमार बनाया। तो उज्जैनी जाते समय उज्जैनी की जो राजधानी थी अवंती, इस समय उसको हम आज के दिन में हम उज्जैनी को उज्जैन के नाम से जानते हैं, if you have heard about it, उज्जैन के नाम से जानते हैं। उसकी जो राजधानी थी, कैपिटल था अवंती, तो अवंती से होकर जाना पड़ता था। तो सम्राट अशोका कई बार अवंती में रुकते थे, और ये जो सांची का क्षेत्र है ये आता है अवंती के क्षेत्र में। तो वहां रुकने के बाद सांची के पास में ही विदिशा करके एक शहर है, काफी रिच पॉपुलर शहर है, भरा फूला हम लोग जो शहर कहते हैं उसको, वेल इक्विप्ड शहर है। सो वहां पे ये रुकते थे। तो वहां के एक बहुत फेमस और सक्सेसफुल बिजनेसमैन, व्यापारी की बेटी देवी, उनसे सम्राट अशोका को प्यार हो गया और वो चाहते थे कि वो उनसे शादी करे। तो इसके लिए वो यहाँ पे हर बार आते जाते रहते थे, रुकते रहते थे। तो इस समय में उन्हें पता चला कि देवी बुद्धिज्म को बहुत मानती है, वो इस चीज पर अपनी बहुत आस्था रखती है। तो सम्राट अशोका ने क्या किया, जिस समय उनकी शादी हो रही थी उस समय उन्होंने ये बहुत ब्यूटिफुल स्पॉट चुना, वो हील जिसपे आज सांची का स्तूपा खड़ा हुआ है। वो एक काफी अच्छा अबैंडन हील, लेकिन काफी एक्सेसिबल फ्रॉम द सिटी, जिसके एक तरफ हमें बेस और बेटवा नदी का संगम भी देखने मिलता है। तो ये काफी ब्यूटीफुल स्पॉट उन्होंने चुना, वहीं पर उन्होंने देवी से शादी की और उसी जगह पर उन्होंने ये स्तूपा बनाया देवी के लिए। कहा जाता है, माना जाता है कि देवी की वजह से सम्राट अशोका का परिवर्तन हुआ था, बुद्धिज्म की ओर वो बढ़ने लगे थे। लेकिन हिस्ट्री में कहीं जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि कलिंगा का जो वॉर था, उसमें जो हादसा हुआ, उसमें जो खून खराबा हुआ, उसके बाद अशोका का असल में हृदय परिवर्तन हुआ और वो शांति की ओर बढ़ने लगे। तो शांति का रास्ता बुद्धिज्म का रास्ता माना जाता है।
तो फिर उन्होंने इस स्तूपा में पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया और ये स्तूपा बनाया. सो अशोका वॉज द फर्स्ट पर्सन हु मेड दिस स्तूपा आउट ऑफ लव, आउट ऑफ एवरीथिंग. ग्रेट. सो आपके आपने जब इंट्रोडक्शन दिया तभी आपने कहा कि बहुत सारी सेंचुरीज पहले ये स्तूपा तो बनाया है, बट बहुत सारे डायनेस्टीज ने भी ये प्लेस डेवलप करने में बहुत मेहनत ली है. तो ऐसे कौन सी अदर डायनेस्टीज है जो आप कहोगे कि हैव प्लेड अ ह्यूज रोल इन डेवलपिंग दिस प्लेस? राइट, ओके. सो जैसे मैंने आपको मेंशन करा कि 2300 साल पहले सम्राट अशोका ने इसको बनाया था, तो तब की टेक्निक्स और इन सब के हिसाब से ना सम्राट अशोका ने आज जो हम प्लेस देखते हैं वो एक ना हाफ बोल की तरह दिखती है, उल्टी रखी हुई. तो जो साइज उसकी आज है उसके हाफ साइज का एक स्तूपा सम्राट अशोका ने बनाया था, सिर्फ ईट पत्थर एंड दैट्स ऑल, एक लकड़ी की रेलिंग जो ओवर द पीरियड डिमोलिश भी हो गई. सो उतना ही सिर्फ उन्होंने बनाया था. जो मौर्य समाज का एंड आ रहा था, मौर्य डायनेस्टी का जब एंड आ रहा था, तब उसके जो आखिर के राजा थे उनपे उनका कत्ल किया गया सुंग डायनेस्टी के राजा पुष्यमित्र द्वारा, और फिर वहां पर आई सुंगा डायनेस्टी. पुष्यमित्र जो थे वो इतने ज्यादा बिलीवर नहीं थे स्पिरिचुअल चीजों के, तो उन्होंने क्या किया, ये बहुत सारी स्पिरिचुअल प्लेसेस उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, उसमें से एक था सांची. अब ये भी अगर आप मेरी मानो तो इसको डिस्ट्रॉय करना भी एक योगदान ही था. क्यों? द रीजन बीइंग कि उनके जो बेटे थे अग्निपुत्र, सुंगा डायनेस्टी के राजा पुष्यमित्र, इनके बेटे अग्निपुत्र, उन्होंने उनको आउट ऑफ गिल्ट या मे बी कुछ कि मेरे पिताजी ने कुछ गलत कर दिया है, तो उन्होंने जो सम्राट अशोका ने स्तूपा बनाया हुआ था उससे भी डबल साइज का स्तूपा वहां पे बनाया. सम्राट अशोका ने जो बनाया था वो था ईटों और पत्थर का, लेकिन इन्होंने चूना एंड ऑल इस सब का लेप लगा के, और वो ज्यादा से ज्यादा समय तक कैसे टिका रहेगा, उस साइज का एक अच्छे क्वालिटी में उन्होंने एक स्तूपा बनाया. सो आज जो हम ओरिजिनल स्तूपा नंबर 1 देखते हैं वो उस समय अग्निपुत्र ने बनाया हुआ है. सो दैट वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी आफ्टर मौर्य जिन्होंने इस चीज को डेवलप किया, डिस्ट्रॉय भी किया, डेवलप भी किया, बट वॉज फॉर द गुड. तो अग्निपुत्र ने ये किया, इसके साथ साथ उन्होंने पत्थर की रेलिंग्स भी डाली आजू बाजू. जैसे हमने पहले विदिशा शहर के बारे में बात किया, तो विदिशा शहर के बहुत सारे व्यापारियों ने भी इसमें ये दिया, डोनेशन दिया, पत्थर डोनेट किए, काफी अच्छी क्वालिटी के पैसे डोनेट किए, और फिर इसको डेवलप करने के लिए अग्निपुत्र को बहुत सारी हेल्प करी. वन मोर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि ये जो पत्थर और रेलिंग्स वगैरह वहां पे है, तो जैसे आज भी हम देखते हैं कि कोई बेंच डोनेट करता है, कोई टेम्पल बनाता है, तो हम उस पे नाम लिखा हुआ पाते हैं कि किसने ये डोनेशन किया है. तो उस समय भी उन व्यापारियों ने वहां पर नाम लिखे हुए थे अपने कि किसने कौन सा पत्थर डोनेट किया है. द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये सारी चीजें ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है. ब्राह्मी इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट लिपि इन इंडिया जो अभी तक वहां पे वेरी वेल प्रिजर्व है. अब इसमें हम क्या योगदान देते हैं, आज भी अगर आप मध्य प्रदेश जाओगे, भोपाल जाओगे, विदिशा स्टेशन पे जब आप उतरते हो टू गो टू सांची, तो विदिशा स्टेशन पर हिंदी इंग्लिश के साथ साथ ब्राह्मी लिपि पे भी उस स्टेशन का नाम लिखा हुआ है. तो वहां के लोग भी जानते हैं कि हम उस लिपि को, उस लैंग्वेज को प्रिजर्व करते रहे. सो दिस वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी जिन्होंने हेल्प किया. सो सुंगा डायनेस्टी के बाद आई एक और डायनेस्टी जिसका नाम था सातवाहन डायनेस्टी. सातवाहन डायनेस्टी ने इस पे एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अपना योगदान दिया था. ये है तोरण द्वार, एक्चुअली जो एंट्री गेट्स होते हैं, तो एक स्तूपा के उन्होंने चारों तरफ तोरण द्वार बनाए, एंट्री गेट्स. अब ये इतने इंटरेस्टिंग क्यों है और सातवाहन डायनेस्टी द्वारा किया हुआ योगदान सबसे इंटरेस्टिंग क्यों माना जाता है, क्योंकि ये जो तोरण द्वार है ना इसपे बुद्धा की लाइफ कार्व की गई हुई है एकदम छोटे छोटे, इसमें उनका पैदा होना, फिर उनका बचपन, फिर उनको जब वो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधि ट्री के पास, वो सारी लाइफ उसपे कार्व की गई हुई है उन चारों डोर्स पे. वो बहुत ज्यादा जैंटिक और ऐसे बड़े बड़े डोर्स है जो हम देखने जाते हैं. माई एडवाइस, आप हमेशा वहां पर या तो किसी टूर मैनेजर के साथ जाओ या तो कोई लोकल गाइड दे लो, जो वो आपको हर एक पेंटिंग के बारे में, हर एक स्कल्पचर के बारे में ध्यान से बताएगा, और यू विल सी कि क्यों वो डोर इतना इंटरेस्टिंग है. इन कार्विंग्स में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि कहीं पर भी आप बुद्धा को एक स्पेसिफिक वे में नहीं देखोगे कि आपको ये आपने चीज देखी और आपको पता चल गया ये बुद्धा है करके, ऐसा नहीं है. हर जगह पे, हर स्टोरी में ना बुद्धा को एक सिंबॉलिक वे में दिखाया गया है. अगर उनकी ज्ञान प्राप्ति की स्टोरी है तो उनको बोधि ट्री के इसमें दिखाया गया है. हर जगह पे जहाँ पर आप बोधि ट्री देखोगे समझ जाना कि वो बुद्धा है.
कहीं जगह पे उनको अम्ब्रेला के तौर पे दिखाया गया है, अम्ब्रेला का सिंबल यूज किया है, तो कई जगह पे फॉर एग्जांपल फुटप्रिंट्स का सिंबल यूज किया है क्योंकि उस स्टोरी में उनका उस हिसाब से महत्व है। उन डोर्स पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी चीजें होती रही है वहां पर एपिक की गई है, लिखी हुई है काविंग्स में ही, ब्राह्मी लिपि में ऑफकोर्स लिखी गई है। तो वहां पर उन्होंने एक और चीज लिखी हुई है कि वेदासगिरी हस्ति दंतकारे रूपम कमम कथम। इसका मतलब ये होता है कि उस समय ना विदिशा में हाथी बहुत ज्यादा थे, अनगिनत हाथी थे, जंगल होने की वजह से आसपास अनगिनत हाथी थे, तो वहां पर हस्तिदंत के कलाकार भी बहुत थे जो हाथी के दांत से काविंग करते थे या हाथी के दांत में चीजों को काव करते थे। तो उन्होंने वहां पर खुद के लिए ये लिखा हुआ है कि हमने ये चीज कार्व की है करके, जो हस्तिदंत के कलाकार थे उस समय 2000 साल पहले उन्होंने इस चीज को पूरी कार्व किया हुआ है। तो ये भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है इस जगह के बारे में। उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी के बाद भी काफी सारी डायनेस्टीज आई जिन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें की इस जगह के लिए, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी जो आई थी इनके बाद उनका योगदान भी काफी बड़ा था। जब गुप्ता डायनेस्टी आई तब ये प्लेस था सिर्फ एक स्तूपा, वो चार रेडियंस एंड दैट्स ऑल, लेकिन तभी स्पिरिचुअल वे में मॉन्क्स के अलावा भी बहुत सारे लोगों का आना जाना वहां पर बढ़ता था। तो गुप्ता डायनेस्टी के लोगों ने क्या किया कि उस प्लेस को हम और ज्यादा कंफर्टेबल कैसे बना सकते हैं, कंफर्ट के लिए ना किंग अशोका ने और अग्निपुत्र इन दोनों ने बहुत बढ़िया एक चीज की हुई है वहां पे, वो है खिरनी के पेड़। सो इफ यू नो अबाउट खिरनी के पेड़, दोज आर दी वन ऑफ दी ओनली ट्रीज जो साल के 12 महीने हरे रहते हैं, वो कभी उनके पत्ते झड़ते नहीं है, वो कभी सूखते नहीं है, वो साल के 12 महीने आपको घनी छाया दे सकते हैं। सो वो पेड़ वहां पर उन लोगों ने लगाए थे सो दैट वहां पे आने वाले मॉन्क्स आराम से मेडिटेशन कर सके अच्छे से, या फिर टूरिस्ट आ रहा है कोई स्पिरिचुअल लोग आ रहे हैं तो वो अच्छे से वहां पे बैठ के मेडिटेशन कर सके या जो भी अपना स्पिरिचुअल बेस है उसको कम्प्लीट कर सके। तो इनको आगे बढ़ाते हुए फिर ये जो गुप्ता डायनेस्टी थी इन्होंने प्रदक्षिणा करते हैं हम किसी मंदिर के लिए, तो वहां पर कहा जाता है कि उस स्तूपा के अंदर बुद्धा की एशेस रखी हुई है, तो उस वजह से प्रदक्षिणा करने के लिए गुप्ता डायनेस्टी ने वहां पर एक रोड बनाया उस स्तूपा के आसपास। उस रोड बनाने के बाद फिर उसको बहुत अच्छी वाली पत्थर की रेलिंग्स बनाई, वहां जाने तक का पक्का रास्ता बनाया। सो ये सारी चीजें गुप्ता डायनेस्टी ने की। उसके अलावा वहां पर एक छोटा सा टेम्पल है, वो टेम्पल भी गुप्ता डायनेस्टी ने बनाया था। और खास बात ये है कि आज तक मतलब इंडिया में जितने भी टेम्पल्स है, जो आज तक इतने पुराने टेम्पल्स में से वो एक है जो आज तक भी काफी अच्छी अवस्था में खड़ा है वहां। सो दैट वाज गुप्ता डायनेस्टी। उसके बाद भी काफी सारे डायनेस्टीज आई जिन्होंने छोटे मोटे योगदान दिए, लाइक किसी ने हिल के आजू बाजू का एरिया डेवलप किया, किसी ने वो जो जंगल है उसको और ज्यादा सिक्योर किया, किसी ने बहुत बड़े बड़े फिर टेम्पल्स बांधे, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बांधे। सो आज वहां पर 100 से भी ज्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है। लाइक इफ यू गो देयर कि मैं सांची स्तूपा देखने जा रहा हूँ, तो आप सिर्फ सांची का स्तूपा देख के वापस नहीं आओगे, आप वहाँ पे टेम्पल्स देखोगे, आप वहाँ पे हिस्ट्री देखोगे, आप वहाँ पे ब्यूटी देखोगे, नेचुरल ब्यूटी जो हम हमेशा देखना चाहते हैं, जो हर जगह पे हमें बहुत अच्छा फील करवाती है, वो हम सब चीजें वहां पर देखेंगे। सो दैट वॉज दी So, Megha, I'll interrupt you over here. Now, मैं of course आपको पूछने वाला था कि what is the most important contribution of which dynasty? पर आपने इतना डिटेल में बताया कि I'll probably skip that question. पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैंने जब सांची स्तूपा के बारे में पढ़ा है, तभी ऐसे पढ़ा है कि 12th century के बाद बहुत टाइम लगा before it was actually found. So, इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि इतने डायनेस्टीज ने अगर इस पे काम किया है, इतने सालों से इस पे काम हो रहा है, तो इतना टाइम क्यों लगा इसे ढूंढने में, और किसने ये एक्चुअली ढूंढ ली ये जगह? ओके, सो 12th सेंचुरी के बाद मेरे हिसाब से, अभी उसमें कुछ ऐसा प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है किसी भी किताब में, द वन हु हैव स्टडीड द प्लेस, उन्होंने कभी प्रॉपर नहीं लिखा, बट हिस्ट्री की कई जगह पर ऐसा मेंशन किया जाता है कि इस जगह के आसपास काफी घना जंगल होने के कारण ये कारण हो सकता है कि लोकल लोग वहां पर नहीं गए। जब अशोका ने ये जगह चुनी थी तो उन्होंने चुनी इसलिए थी कि वो नॉर्मल लोगों से थोड़ी दूर है, कॉमन लोग जहाँ पर रहते हैं उससे वो थोड़ी दूर है शांति के लिए या फिर मेडिटेशन के लिए, तो ये भी रीजन हो सकता है कि ओवर द पीरियड लोगों का वहां जाना कम हो गया। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वहां पर कहा जाता है कि बुद्धा की अस्थियां वहां पर है,
ऐसी जगह पर नॉर्मली लोग जाना अवॉइड करते हैं, और वो जो समय था इंडियन कल्चर का, वो जो समय था वो हम काफी ज्यादा श्रद्धा आस्था वाले लोग वहां पर हुआ करते थे, तो उस समय में शायद लोगों ने इस जगह पर जाना थोड़ा टाल दिया होगा। उसके बाद आता है ऑफकोर्स 19th सेंचुरी, द सेंचुरी ऑफ इंडिया। उस समय बहुत सारी चीजें हमने एक्सप्लोर की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेल्प से। सो वहां पर कहा जाता है कि एक सर टाइलर करके थे, जो एक आर्मी मैन थे, जो द क्वेश्चन यू आस्क ये किसने ढूंढा, उसका जवाब मैं आप देना चाहती हूँ कि सर जॉन टाइलर करके थे, जो आर्मी मैन थे, और वो पिंडारियों से भागते भागते जंगल में चले गए। जब वो जंगल में चले गए तो जंगल से बाहर उनको एक जगह दिखी जहां पर वो रेस्ट कर सकते थे, और जिस जगह पर वो रेस्ट करने चले गए वो था सांची स्तूप। तो इस तरह से उन्होंने 19th सेंचुरी के जस्ट पहले सांची स्तूप ढूंढ लिया। So, Megha, I'd like to ask one more question. कि क्या हम ये सांची स्तूपा पूरे साल में जा सकते हैं, या ऐसे कुछ वहां पे आप बोलोगे क्योंकि विंटर में जाइए आपको ज्यादा अच्छा लगेगा? No, सांची स्तूपा is the one of the places जिसको आप 12 महीने में देखोगे तो हर महीने वो प्लेस आपको अलग तरह का नेत्र सुख देगा। I'll say that, कि अलग तरह की शांति, अलग तरह का नेत्र सुख, हर सीजन में वो प्लेस अलग तरह से ब्यूटीफुल लगता है। जब आप बारिश में जाते हो तो यू कैन सी द क्लाउड, द फॉग्स, एवरीथिंग जो स्तूपा के हेड को टच करते हैं। जब आप विंटर में जाते हैं, जब आप विंटर में जाते हो तो उन खिड़नी के बड़े बड़े पेड़ों के पत्तों पे जो ये होते हैं ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, वो जब नीचे गिरते हैं तो वो अलग तरह की ब्यूटी हो जाती है। फिर जब आप समर में, ऑफकोर्स समर में तो आप काफी अच्छे से इस प्लेस को ऑब्जर्व करने चले जाना सर। दैट्स व्हाट आई विल से। तो हर एक सीजन इज द बेस्ट। सो आई थिंक Megha, इट इज अ वेरी यूनिक टॉपिक जो आज आपने चुना, बट At least because of that, you have come on Chalo Bag Bharo Nikal Padho pehli baar. So, aise hi hum hope karenge ki, because we are running out of time now, hum hope karenge ki you actually keep coming on Chalo Bag Bharo Nikal Padho more and more times. Kyunki Incredible India is actually incredible. Hamare paas itne states hai, itne union territories hai, hamare paas mountains hai, beaches hai, historical places hai, jahan pe hume India ka culture dikhta hai, India ki spirituality dikhti hai. And aise hi You have actually told us a story of one of the hidden gems of India, as we can say. So thank you very much for coming on Chalo Bag Bharo Nikal Padho. Friends, this was Megha Shinde, Veena World's tour manager. And like she has picked Sanchi Stupa as a topic. We will be coming here with Chalo Bag Bharo Nikal Padho with more and more episodes with Megha Shinde and all of our other tour managers. Thank you so much for tuning in. Take care, stay safe, and see you next week.